नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दोस्तों आप SBI का जो अकाउंट टाइप होता है दोस्तों उसको आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों हमको कहां पर चेंज करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आपके पास SBI का नॉर्मल अकाउंट है तो वहां पर जब आप चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं योनो SBI एप्लीकेशन के जरिए, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो एलिजिबल नहीं है चेकबुक के लिए। तो उसको दोस्तों कैसे आप अकाउंट को चेंज करके आप चेकबुक के लिए जो आपका अकाउंट है उसको एलिजिबल कर सकते हैं। और अगर आपके पास SBI का जो CSP अकाउंट है, जो भी मिनी बैंक में ओपन किए थे आपने अकाउंट, तो उसी अकाउंट को दोस्तों यहाँ पर चेकबुक के लिए यहाँ पर इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा CSP अकाउंट से। आपको मेन ब्रांच में जाके आपको इसका प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। आपका जो CSP अकाउंट है उसको चेंज करके आपको यहाँ पर नॉर्मल सेविंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो होता है दोस्तों CSP अकाउंट और टीनी सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें आपको चेकबुक का फैसिलिटी नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको मेन ब्रांच में जाके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल अकाउंट में, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल को ओपन करके योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करना है। और योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका MPIN है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप योनो SBI के जरिए MPIN को क्रिएट कर सकते हो, तो लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर अपना MPIN को एंटर कर देना है। MPIN 6 डिजिट का होता है दोस्तों, उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप साइन इन हो जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट सेक्शन पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको 7 ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिया गया है एक्टिव SMS अलर्ट। उसके बाद दोस्तों सेकंड में लिखा है चेंज अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर आपको चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है सिलेक्ट अकाउंट टू इनेबल चेकबुक फैसिलिटी, तो यहाँ पर अपना अकाउंट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला यहाँ पर जो बटन है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें 6 डिजिट का OTP जाएगा, उसी नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद दोस्तों सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों पॉपअप विंडो में कुछ इस तरह से लिख के आएगा चेकबुक फैसिलिटी हैज बीन सक्सेसफुली इनेबल ऑन योर अकाउंट, लिख के आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको बताया गया है डू यू यूज टू अप्लाई फॉर ए चेकबुक नाउ, तो अगर आप यहाँ पर चेकबुक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस प्रेस कीजिए, वरना आप मे बी लेटर करके आप यहाँ पर बाद में भी आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चेकबुक के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।